वहीं झारखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में कोविड 19 से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का फैसला लिया। बता दें कि राज्य में संक्रमण से अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है और ट्वीट किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जनता के सुख दुख में शामिल है। हम कोविड से मरने वाले परिजनों की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी उपायुक्तों को राशि का वितरण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये मुआवजा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जाएगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निगरानी टीमों की तैनाती कर दी गई है। वहीं सरकार ने 12 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी लोगों की पहचान कर कोरोना टेस्ट कराने का आदेश दिया है। तो झारखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। ओमिक्रॉन को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम यहां पर झारखंड सरकार ने उठाए हैं। वहीं झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि जिनकी भी कोरोना की वजह से मौत हो रही है, जिन परिवारों को गहरी क्षति पहुंची है, उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। वहीं हिदायत के तौर पर सभी रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से और बस स्टॉप पे सख्ती लागू कर दी गई है। RT-PCR जरूरी है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।